Hello, 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 check guys. Good evening. जैसे कि आप लोगों ने पोस्टर में देखा, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ धमाकेदार, कुछ फुल पावर. ओके, तो जैसे मैंने लिखा भी था, ये तो बस एक शुरुआत है. ओके, तो बस इसी शुरुआत का सिलसिला आज से शुरू कर रहा हूं मैं. आवाज के जादूगर, आवाज के बादशाह संकेत महात्रे के साथ. ओके, तो क्या होगा, मैं और संकेत महात्रे हम क्या करेंगे? बातें करेंगे, वही सारी पुरानी बातें, गप्पा गोष्ठी, वही फिल्मों के बारे में, डबिंग, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में. नहीं, आज कुछ इंटरेस्टिंग होगा, अमेजिंग होगा, फुल पावर होगा, ऑन द स्पॉट होगा, आप लोगों के सामने होगा. ओके, तो गाइस तैयार हो जाइए और ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हमारे आवाज के बादशाह संकेत महात्रे के साथ. ओके, कैसा मिले भाई? संकेत एकदम फुल पावर भाई. संकेत महात्रे हमारे साथ जुड़ चुके हैं. बहुत सारी तालियां, प्यार, झप्पियां. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे भी अच्छा लगा. हमने जो एक शुरुआत की थी मार्च एंड में, किसी एक सिलसिले को, अवेयरनेस को लेकर बातें, तो शुरुआत संकेत महात्रे से ही हुई थी और काफी धमाल मचाई थी काफी आर्टिस्टों के साथ. लेकिन संकेत महात्रे आज हमारे साथ जुड़े हैं. मैं बता दूं सबको, ये है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी. इसका फर्स्ट एपिसोड है, ये एक सीरीज है. मैं सोच रहा हूँ कुछ एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेंगे, मेरी ये धारणा है, मेरा ये मानना है. तो पहला एपिसोड जी, तुम जो भी सुन रहे हैं, जो भी प्यार करते हैं इस इंडस्ट्री को और आवाज की दुनिया के जादूगरों को, तो उनको मैं बता दूं कि फर्स्ट एपिसोड वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी का संकेत महात्रे के साथ. इसमें क्या होगा, आमतौर पर जो बातें करते हैं हम, वो कुछ नहीं होगा. इंडस्ट्री की बातें, डबिंग टेक्निक्स, फलाना ढिमका, प्रकार प्रकार की चीजें हम हर बार करते हैं. लेकिन मैंने सोचा आज कुछ गर्म हो, कुछ आमने सामने हो आप लोगों के सामने, और फुल धमाल, फुल पावर के साथ. ओके, तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए संकेत महात्रे, मैं आपको बता दूं कि जी, मैं आपको एक स्क्रिप्ट भेजता हूं. उस स्क्रिप्ट में दो किरदार हैं, और जो भी सुन रहे हैं उन सबको मैं बता दूं कि ये है वॉइस एक्टिंग. जैसे नरेशन होता है जो इंफोटेनमेंट चैनल में आप देखते हैं, डिस्कवरी वगैरह में, वो नरेशन होता है, वॉइस ओवर के उसे कहते हैं. दूसरी चीज होती है वॉइस एक्टिंग, जो रेडियो प्लेस, ड्रामा या ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स, इन चीजों के लिए हम जो प्ले करते हैं, सिर्फ माइक होता है, स्क्रिप्ट होती है और कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट. ओके, वो होती है वॉइस एक्टिंग. और तीसरी चीज है वो है डबिंग, जो वीडियो के साथ हम लिप सिंक में करते हैं. वो उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे वॉइस एक्टिंग की, क्योंकि बहुत अहम चीज है ये. क्योंकि ये अगर आप में है अच्छी तरह से भरी है, तो आप डबिंग की तरफ अच्छे से प्रयाण कर सकते हैं, उस तरफ जा सकते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने कई लोगों को देख कर सीखा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम कुछ हद तक आप लोगों की मदद कर पाए. ओके, तो संकेत महात्रे, मैंने जस्ट आपको स्क्रिप्ट सेंड कर दी है, तो उम्मीद करता हूं आपको मिल गई होगी. ये एक सीन है, जो भी सुन रहे हैं उनको बता दूं, एक सीन है. इसका सीन के आगे क्या है, पीछे क्या है, वो कुछ नहीं बताना चाहूंगा. जो है सीन में है, वो है वो वही मैजिक हम आप लोगों के सामने करने की कोशिश करेंगे. दो कैरेक्टर्स हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई. Right. तो रैंडमली संकेत महात्रे, आप कौन सा कैरेक्टर करना चाहेंगे? बड़े से स्टार्ट हो रहा है, तो आप स्टार्ट करो. छोटा भाई सेकंड है, तो मैं सेकंड ये करता. ठीक है, तो लाइट्स भी है, इतने सारे कैमरास भी है, और एक्शन. मैंने तुझे मना किया था ना बीच में बोलने के लिए, फिर तो क्यों बोला? भैया आज तक कभी नहीं बोला, पर आज बोला हूं तो आप समझ लीजिए कि मेरा बोलना जरूरी था. अरे मैं बोल रहा था ना. आप कहां बोल रहे थे? आप तो उस आदमी की हां में हां मिला रहे थे. अरे
क्या हाँ मिला रहा, बड़े हैं वो हमसे, तमीज से बात करनी चाहिए उनसे। अरे बड़े हैं तो उनको भी सोचना चाहिए ना कि हमारे घर का भला हो, ऐसा कोई रास्ता दिखाए। अरे उनको उनको ज्यादा पता है छोटे, मेरी बात समझने की कोशिश कर। उनकी गोद में खेलकर बड़े हुए हम स्वार्थी होकर सिर्फ आज के बारे में, अपने बारे में सोच रहे हैं, और वो भविष्य को देखकर सारा मसला हल करते हैं। देखिए देखिए भैया, माफ कीजिए, ये जो मसला हल किया है ना उन्होंने, उसमें आपको हमारा कौन सा भला होते हुए दिख रहा है? वो इंसान सिर्फ अपना भला कर रहा है, और आप है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अंधे हो गए हैं आप, अंधे। अंकुश, मैं उठा अंधा। उठा और हाथ उठा, रुक क्यों गए? मारो। उस अंकुश, हरामजादे ने तो यही किया है कि जिससे हमारे घर में अंदर ही अंदर हम लड़ पड़े और अपने ही घर को तबाह कर दे। जबान संभाल के छोटे, हरामजादा नहीं है, तू बहुत जबान चलाता है। हाँ अब ज्यादा मत बोल, तू मैं भी बड़ा हूं तुझसे। इसीलिए तो मनमानी करते हो ना? पर अब मैं आपकी मनमानी चलने नहीं दूंगा, मैं हमारे परिवार को उजड़ने नहीं दूंगा। साला वो बाहर का इंसान आके हमें बर्बाद करने की सोच रहा है, और मैं उसे बर्बाद करने दूंगा? मैं अंकुश, अंकुश, आप क्यों उसकी तरफदारी कर रहे हो? आपको भी अगर वही अच्छा इंसान लग रहा है तो फिर जाओ उसके पास, हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी। मैं भी भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भैया हो। जा। ठीक है तो भूल जाओ। क्या बात है यार राजू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संगीत, अरे मजा आ गया, पूरा शरीर गर्म हो गया है मेरा, खून गर्म हो गया है मेरा। एक्चुअली ब्यूटीफुल, थैंक ये यू यार, मजा आया मुझे परफॉर्म करने के लिए, माय स्पेशली बिकॉज यही सर्कमस्टेंसेस में काम करना पड़ता है कि सीन के पहले क्या है, बाद में क्या है, कुछ पता नहीं। कई बार ऐसे होता है कि कैरेक्टर का बैकग्राउंड पता नहीं होता, वन लाइन सिनॉप्सिस मिलती है और ऑन द स्पॉट उसको इमोट करना। दिस वाज ब्यूटीफुल, मजा आया, बैक टू बेसिक्स हो गया पूरा। यस, डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है, बेसिक जितना स्ट्रांग उतना सब कुछ स्ट्रांग। और मुझे वाकई मजा आया संकेत, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम करते हैं लेकिन यहाँ हम लाइव थे, हम आमने करेक्ट, ऑन द सामने नहीं स्पॉट होकर परफॉर्म भी, करना, करेक्ट। या हम आमने सामने ना होकर भी वही कट टू कट, वही टाइमिंग, वही सारी एब्सोल्युटली चीजें, एब्सोल्युटली, तो वाकई बहुत मजा आया। और मैं जो भी सुन रहे हैं उनको बता दूं, हम लोगों ने कोई रिहर्सल नहीं किए थे, और कोशिश आई यही मीन है। रिहर्सल, अगर अगर चलो मान लो रिहर्सल की भी हो, पर करना तो लाइव ही है परफॉर्म आपको, है ना? करना तो हाथ लाइव मिले ही जो भी है, हो। यस। और ये मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से, जो भी सुन रहे हैं, जो भी अब इस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको मैं मेरी समझ से ये कहूंगा संकेत, मेरे ख्याल से शायद आप भी सहमत हो, कि आपकी रीडिंग, आपकी आपका जो ये पढ़ना है, ये नॉवेल पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, या इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ना बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि जब भी आपकी आंखों के सामने जो भी अल्फाज आए, शब्द आए, तो तुरंत आपकी जबान पे चढ़ जाए, है चढ़ ना, जाए उसको जी, पढ़ने के लिए आपको 3-4 बार पढ़ना ना पड़े, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग और लैंग्वेज बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही जरूरी करेक्ट। चीज है, मैं ये जब बताना जब चाहता आपकी लैंग्वेज पर आपका कमांड होगा, तो जब आपके सामने स्क्रिप्ट आएगी तो आप लैंग्वेज के लिए नहीं रुकेंगे, आप सीधा इमोशन पर फोकस कर पाएंगे, आप अपनी वॉइस एक्टिंग पर फोकस कर पाएंगे और परफॉर्मेंस बेटर होगी। अगर आपको शब्दों के लिए बिल्कुल। रुकना पड़ रहा है, अगर आपको लैंग्वेज समझने के लिए रुकना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप अब तक उस क्राफ्ट के लिए तैयार नहीं है जो है वॉइस एक्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और संकेत महात्रे को मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आज, कोई भी एक टिप, बहुत सारी टिप्स होती हैं वॉइस एक्टिंग को लेकर, कोई सिर्फ एक ही चीज और कम अल्फाज में आप क्या कहना चाहेंगे जो भी आपके चाहने वाले हैं और सीखने वाले हैं उनको? सबसे बेसिक टिप जो मैं बहुत लोगों को बताता हूं वो है, हर रोज 10 से 15 मिनट कोई भी मैगजीन, अखबार, पेपर, पन्ना उठाकर जोर से पढ़िए, जोर से। हम कई बार यस शब्दों को हमारे यस मन में पढ़ते हैं, हम उनको इमोट नहीं कर पाते हैं, हम समझते नहीं कि हमारी आवाज साउंड कैसे कर रही है। अगर हम बस 10 से 15 मिनट हर रोज किसी आर्टिकल को पढ़ते जाएं, तो धीरे धीरे फिर हम उसमें इमोशन लाना शुरू करते हैं, फिर अप्स एंड डाउन आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपनी आवाज बोरिंग लगने लगती है अगर आप मोनोटोनस पढ़ते रहेंगे हर दिन, तो धीरे धीरे बिल्कुल आप सही खुद ही बात। अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते जाएंगे। तो
मेरी सबसे सिंपल टिप यही है कि हर दिन बस 10 से 15 मिनट कोई भी चीज उठाकर जोर से पढ़िए, क्लियर पढ़िए, साफ पढ़िए, धीरे धीरे उसमें इमोशंस लाइए, अप्स एंड डाउन्स लाइए, धीरे धीरे किसी को सामने बिठाइए जो आपको बहुत ही क्रिटिकली बता सके। ऐसे नहीं कि आपकी आवाज अच्छी है आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, बस आपको प्रॉपरली क्रिटिकली बता सके कि नहीं भाई तू यहाँ पे मुझे थोड़ा खटका, या यहाँ पे शब्द गलत निकले, या यहाँ पे इमोशन मुझे फील नहीं हुआ, तो वो आपको क्रिटिकल। और ये लास्ट स्टेज है, यहां पहुंचने तक आपको हर दिन बस 10 से 15 मिनट सिंपली लाउड रीडिंग करनी है। दैट्स इट, दैट विल इंप्रूव। यस 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 बिल्कुल सही कहा संकेत मात्रा ने, एक एक शब्द सही है। मैं सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे कहा कि हर रोज पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आपको इमोशन वॉइस एक्टिंग ऐड करते जाना है। वैसे एक और चीज मेरे ख्याल से ऐड कर सकते हैं, वो है मॉड्यूलेशन, है ना, इमोशंस के साथ एब्सोल्युटली मॉड्यूलेशन भी। तो ये तो आप हर प्रकार की चीजें, जैसे फिल्मों के लिए है आप अपनी नॉर्मल आवाज में डब कर रहे हैं, लेकिन आपको कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जहां मॉड्यूलेट करना है, तो आप बिल्कुल उसको भी आप हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहिए, है ना। एब्सोल्युटली मजा आया संकेत मात्रे, बहुत ही वंडरफुल मजा आया। इनिशिएटिव यार और राजू, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू, माय प्लेजर सच अ माय डिफरेंट प्लेजर। और एक्सरसाइज, मतलब ये ऐसा था कि बहुत सालों के बाद फिर से बैठकर एक साथ रिहर्स करने का मौका मिला तुम्हारे साथ, जो जो अरे किए अब नहीं, एक अरसा हो गया। आई यस थिंक रामायण यस प्रोजेक्ट में आखिरी बार हमने काम किया था एक साथ बैठकर, एक रूम में यस बैठकर। एक रूम में बैठकर करना भी अब एक बहुत रैरिटी हो गई है, हर प्रोजेक्ट में नहीं कर पाते हैं, सोलो ही करना पड़ता है। बिल्कुल सो आई एम बिल्कुल रियली ग्लैड बिल्कुल कि तुमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड तरह तरह के नए आर्टिस्ट आएंगे, उनसे हर दिन या जब भी तुम ये करो तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, उनका अप्रोच देखने मिलेगा। और जो भी एस्पायरिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट फैंस वगैरह इस वक्त देख रहे हैं, वो भी अलग अलग आर्टिस्ट का अप्रोच समझ पाएंगे, वो किस तरह से इमोशंस को टैकल करते हैं। क्योंकि यही सीन हम अगर हमें डायरेक्टर होता और वो बोलता कि नहीं हम मुझे और सटल चाहिए, या मुझे और ओवर द टॉप चाहिए, तो हम इसे और अलग अप्रोच से करते हैं, और शायद दूसरी या तीसरी रीडिंग के बाद ये बिल्कुल अलग लगे जिससे हमने परफॉर्म किया। विच इज वाई आई लव द फैक्ट कि बिल्कुल लाइफ का अपना ही एक मजा है, और इसीलिए डायरेक्टर होना भी उतना ही जरूरी होता है जो काइंड ऑफ, वरना हमें छूट दे दी जाए तो हम तो मतलब एक को एक को टीवी दे दें और वो खास रहा है, दूसरा हकला रहा है, तो हमको छोड़ दिया जाए तो फिर खत्म हो जाएगा, मतलब हम नुआंसेस निकालते बिल्कुल जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं बिताल के। बिल्कुल सही कहा। और संकेत महात्र, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने जो पोस्टर बनाया था उसमें लिखा था, अगर सबने गौर किया हो तो जोड़ी नंबर वन, मतलब ये किसी प्रकार से ऐसे कि जोड़ी नंबर वन वैसे नहीं है, ये काइंड ऑफ एक जोड़ी है जो एपिसोड है कि जिसमें राजेश कवार संकेत की जोड़ी है, दूसरे एपिसोड में राजेश कवार एक जोड़ी आएगी। एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली मैं ये बताना चाहता हूं बाकी सबको कि ये लिखने के पीछे भी एक वजह है कि ये सारी जोड़ियां जो हैं उनको लेकर कुछ सवाल लाऊंगा मैं, और जिनके राइट सवाल मुझे सही मिलेंगे उनके साथ बिल्कुल मैं लाइव सेशन करूंगा, जी बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके साथ किया है करेक्ट ना। करेक्ट तो बहुत अच्छा मौका है बाकी आर्टिस्टों के लिए जो अलग अलग शहरों में बैठे हैं कोने में, राइट और अलग राइट अलग भारत के कोने में बैठे हैं जो जी सीख रहे हैं। बिल्कुल ब्यूटीफुल इनिशिएटिव राजू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संकेत मात्रे। और हम बाकी सबको बता दें कि हम आपके बहुत सारे मैसेज होंगे, प्यार होंगे, सवाल होंगे, उन सबका जवाब फिलहाल नहीं दे पाएंगे। ये वीडियो IGTV में जाएगा, तब जाके हम कोशिश करेंगे कि रिप्लाई करें, लेकिन बस ये कोशिश यही थी कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीज हम आप तक पहुंचाएं। ओके, राइट थैंक यू सो मच संकेत थैंक यू सो महात्रे, मच राजेश, थैंक्स अ लॉट फॉर माय माय प्लेजर माय प्लेजर, थैंक यू आई सो विल मच सी यू भैया, सून, ख्याल रखना, बाय सेम बाय। हियर, बाय, थैंक यू सो मच गाइस। ये एक कोशिश थी एक अलग चीज को आप तक पहुंचाने की, जो वॉइस एक्टिंग के बारे में नहीं जानते या हमेशा कुछ ही सवाल होते हैं उनके पास कि मेरे पास मेरी आवाज अच्छी है तो क्या मैं डबिंग कर सकता हूँ। तो आवाज अच्छी होने के अलावा बहुत कुछ चाहिए, तो उनमें से ही एक चीज है वॉइस एक्टिंग, जो जिसमें आपको लिपसिंग नहीं करना है, जो डबिंग नहीं है, और ये ना ही नरेशन है, वॉइस ओवर कर सकता हूँ, कई लोग पूछते हैं, तो ये वो भी नहीं है, ये है वॉइस एक्टिंग, प्योर एक्टिंग, जिसमें आपको आवाज के साथ आपके अंदर एक्टर भी होना चाहिए। ओके, तो ये था पहला एपिसोड, अगले एपिसोड के साथ जल्द ही आऊंगा फुल पावर के साथ। आप सारे एपिसोड देखिए, और उनसे जुड़ा एक सवाल भी होगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जिसके जवाब से
किसी ना किसी को मौका मिल सकता है यहाँ पर लाइव आने का मेरे साथ और वॉइस एक्टिंग करने का, उनको भी एक स्क्रिप्ट मिलेगी। ओके फुल पावर गाइस, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, प्यार करने के लिए, थैंक यू सो मच।